हूँ आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं आठ इंडिया। इंदौर बिजली निगम द्वारा लगातार धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद धोखाधड़ी करने वाले बास नहीं आ रहे हैं। वही विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए संचालक द्वारा देश के राज्यों में कंपनी खोलकर कई लोगों से मुनाफा देने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। इंदौर पुलिस द्वारा लगातार ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां कल रात को विजयनगर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि ई कॉमर्स कंपनियों में इन्वेस्ट के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। वही पुलिस ने बताया कि ई कॉमर्स में इन्वेस्ट नाम की एक कंपनी है जो कि इंदौर के विजयनगर संचालित की जाती है, जिसकी शिकायत विजयनगर पुलिस को मिली थी और कई लोगों से इन्वेस्ट के नाम से लाखों रुपए लिए हैं। वही पुलिस द्वारा जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि कंपनी लोगों की पैसा लेकर फरार हो गई है। वही पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मालिक याघवेंद्र सिंह को पुणे कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला है कि याघवेंद्र द्वारा इंदौर ही नहीं बल्कि देश की कई राज्यों में कंपनी खोलकर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। वही विजयनगर पुलिस आरोपी से अन्य धोखाधड़ी के बारे में पूछताछ कर रही है। कंपनी के नाम से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, करोड़ों रुपए का। जैसा कि अभी डीसीपी साहब महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसमें जो कंपनियां हैं विजयनगर क्षेत्र में इनके द्वारा जो धोखाधड़ी की जाती है इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ही एक जानकारी मिली थी कि एक ई कॉमर्स के नाम में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक कंपनी है जो इंदौर में चलती थी। उसके बाद में उसकी जब कंप्लेंट आई कि कंप्लेंट में पता चला कि उसने यहाँ इंदौर के कई लोगों से पैसे ले लिए हैं और फ्लिपकार्ट अमेज़ोन जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कर इनका मुनाफा में कमीशन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे लिए और फिर बाद में वो पैसे रिटर्न भी नहीं किए और कंपनी बंद कर चले गए यहाँ से। जब इस शिकायत की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस कंपनी के जो मालिक है याघवेंद्र सिंह उर्फ वेगा, उसने इंदौर के अतिरिक्त अन्य देश के अन्य शहरों में भी बड़े जो मेट्रो सिटी है उनमें भी कंपनियाँ खोल रखी हैं और इसी प्रकार की टैक्टिस अपनाता है। उसी के आधार पर टीम द्वारा घेराबंदी की गई, उसको पुणे से अरेस्ट किया गया है और अभी विवेचना जारी है। सर आरोपी का क्या नाम है, क्या करता है? आरोपी याघवेंद्र सिंह उर्फ वेगा है। इसकी ये किसी प्रकार की कंपनियां चार पांच और चलती है, अभी और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाँ अभी पूरी जानकारी ली जा रही है, मेन आदमी पकड़ा है, उसके बाद अब जो और कौन इसके सहायक हैं ये सब इसकी जानकारी ली। इसका ऑफिस यहाँ पर जो अपोलो बिल्डिंग है इसमें था। हाँ दस्तावेज वगैरह बरामद किए गए हैं इसमें से।